Welcome to JD Eclipse. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ऑप्टिक्स को देख के इसीलिए परेशान हो रहा है क्योंकि ये सोच ही नहीं सकते कि कोई उनको डिफाई करके कहीं जाए सैंक्शंस के डर के बावजूद. मतलब सैंक्शंस का थ्रेट दिया जा रहा है कि ये मत कीजिए, वी आर कंसर्न्ड, ये सब के बावजूद वो जा रहा है. अब प्रॉब्लम उनका ये है कि उन्होंने हमेशा दुनिया को बाइनरी में देखा. बाइनरी किस तरह के, या तो वी आर, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस. इन्होंने कभी इसके ऊपर कभी कुछ देखा ही नहीं. लेकिन अब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें या इंडिया की बात करें, बिफोर गोइंग टू रशिया उन्होंने G7 में गया, सबसे बात की. और हमने कभी नहीं कहा कि हमारा जो रिश्ता है रशिया के साथ, दैट इज अगेंस्ट द रेस्ट, अगेंस्ट द वेस्ट. और हमने D-net जिसको कहा जाता है वो हमने करके रखा है. सो वी हैव नेवर सेड कि मतलब कि वी विल यूज इट फॉर एनी अगेंस्ट एनी वन. तो ये जो एक बाइनरी माइंडसेट वेस्ट का है, दैट इज दी रीजन. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सर, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहा है या बहुत सारे देश कर रहा है, उसको कहते हैं हेजिंग. हेजिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्निंग चल रहा है. किसी को पता नहीं किस लेवल पे केओस आने वाला है. आपका भी कुछ प्रोग्राम मैंने देखा यूरोप के इलेक्शन के, इलेक्शन को लेके आपने जो किया, तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने में आने वाले हैं. सबको पता है. मैं तो लोगों को बोलता हूँ जिसको यूके यूरोप जाना है, एक दो महीने में घूम के आओ, उसके बाद तो अफ्रीका जाना विल बी इजियर. सो रियलिटी, हाँ, बट ये होने वाला है. आप देखिए उल्लास में अगर आप इस तरह का राइट करेंगे पेरिस में जहां ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो आप सोचिए किस लेवल का मानसिकता है. सो इशू ये है कि बहुत प्रैक्टिकली अगर देखें, मैं एकदम ब्रास ट्रैक्स की बात करूं, इंडिया इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. इसके ऊपर मुहिम, पायोनियरिंग इनिशिएटिव इंडिया ने लगाई. लेकिन आज वो उस पूरे कॉरिडोर में कॉन्फ्लिक्ट्स लगे हुए हैं. द वेस्ट इज नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल और कंटेन दैट कॉन्फ्लिक्ट. आपके यूरोप में किस लेवल का ग्रोथ रेट होगा अगले 10 साल में? यूरोप गारंटी दे सकता है कि इट विल कंटिन्यू टू ग्रो? वो तो होगा ही नहीं, वो स्टैग्नेटेड इकोनॉमी है. तो आप जब रेसिलियंट सप्लाई चेन की बात करते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम है. क्योंकि आपकी, आप गल्फ ऑफ एडन की बात करें, आप स्वेज कैनल की बात करें, आप यूरोप की बात करें, देयर आर ट्रिमेंडस चैलेंजेस ट्रांजिट में एंड मार्केट में दोनों जगह. तो हमें भी तो हेज करना है. सिमिलरली इसी वजह से चाहे वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, चाहे वो व्लादिवोस्तोक चेन्नई जो रूट है, हम एक ही चीज कर रहे हैं कि सप्लाई चेन हमारा एश्योर्ड होना चाहिए. क्योंकि कोविड के टाइम ये देखा गया था कि किस लेवल का इम्पैक्ट हो सकता है. तो यूएस का प्रॉब्लम ये है कि सर, ये हमेशा से दे हैव कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि इविल कौन है. तो इसको डिफाई जब इंडिया करता है, सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है, इंडिया के साथ मतलब होल ग्लोबल साउथ इज लुकिंग एट इट. बल्कि मैं सर, आप अगर मैं, आप मेरी ओपिनियन माने तो आई थिंक द वेस्ट शुड बी हैप्पी कि इंडिया का रिश्ता रशिया के साथ इतना अच्छा है. हैप्पी इसीलिए क्योंकि सिर्फ इंडिया इज वन ऑफ द ओनली मेजर पावर हाउस टूडे, इकोनॉमिक पावर हाउस, जिसका फंक्शनल एंड वर्किंग रिलेशनशिप बोथ साइड्स के साथ है. वरना वेस्टर्न साइड में तो सबने दे हैव बर्नड द ब्रिजेस विद रशिया. और कुछ वहां पे बोल रहे कि देखिए मोदी जी जाके वहां पे बोल दिया कि ये वॉर नहीं होना चाहिए. तो वो जो उन्होंने, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया, ये सबके लिए है, सिर्फ पुतिन के लिए नहीं. आप अगर हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन सिस्टम दे रहे हो यूक्रेन को, यू हैव ट्रिगर्ड द कॉन्फ्लिक्ट नेटो के द्वारा. तो इसका कॉन्सिक्वेंस भी आप फेस नहीं कर पाएंगे. एक चीज जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं. पूरे दुनिया में, इफ यू परमिट मी टू यूज दैट वर्ड, पूरे दुनिया में वेस्टर्न यूरोप और यूएस ने उंगली करके रखा है बहुत साल, 80 साल से कर रहा है. पीछे मुड़ के देखा तो उनको अचानक पता चला अपने ही देश उनके खोखले हो गए. क्योंकि जिनके सहारे वो लोग ये कर रहे थे दुनिया भर में, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर ओन कंट्रीज. सो एज अ कंट्री, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है. इंडिया में भी प्रॉब्लम है. इंडिया के अंदरूनी जितने प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हैं, मोदी जी बाहर क्यों जा रहा है? तो बाहर इसलिए भी जा रहा है क्योंकि सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी है. और इंटरनल प्रॉब्लम के सारे के तार बाहर से जुड़े हुए हैं, तो जाना एग्जैक्टली दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस इंटरनल प्रॉब्लम्स के वो तो कम होंगी, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है इंटरनल वो बाहर से जुड़ी हुई. जी
अच्छा, इनके जिटर्स जो है उसका एक और भी इंटरेस्टिंग कारण है। कारण यह है, दो तीन चीजें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में मुझे नहीं लगता वो मेंशन है। एक तो है कि जो रूपी रूबल सेटलमेंट स्कीम है उसमें अभी क्या है कि जो रशियन कंपनीज है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको अभी परमिशन मिल गया कि वो डाउनस्ट्रीम इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो देख रहा है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो यूरोप बेस्ड है, यूएस बेस्ड है, अगर वो इंडियन मार्केट के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है तो मैं क्यों इन्वेस्ट ना करूं। तो वो करेंगे, वो इन्वेस्ट, वो रूपी से इंडियन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। कल को हो सकता है, जैसे क्लासिक एग्जाम्पल तो वो पहले हो चुका है, जैसे नायरा जो एसआर ऑयल था उसको रॉसनेफ्ट ने खरीद लिया था। नायरा इज अ गुड, अच्छा नायरा से ही सारे ऑयल रिफाइन करके तो यूरोपियन वाले खरीद रहे थे। तो दैट्स वन। सेकेंडली जो रशिया चाह रहा है, कि रशिया भी ये चाह रहा है कि इंडिया के जितने कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट है, कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है, वो रशियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कंपनीज वहां से चले गए। उनका और भी एक कंसर्न है, वो भी अपने आप को हेज कर रहा है अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना का ओवरवेलमिंग एक वहां पे डोमिनेंस है इन 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 द रशियन मार्केट। तो दे वांट समबडी एल्स टू कम एंड हेज इट। तो मोटे तौर पे बात यह है कि सर हर कोई हेज कर रहा है, बिकॉज उनको सबको पता है कि नो वन नोज 2025 ऑनवर्ड्स क्या होने वाला है, किस हद तक प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। सो आई थिंक द वेस्ट शुड बी हैप्पी, लेकिन वेस्ट का यही प्रॉब्लम है कि अपना ठिकाना नहीं, लेकिन हर चीज के बारे में बात करते। जैसे मैंने पहले भी आपको शायद कहा था, पॉलिटिको जो मैगजीन है उसमें लिखा गया था जब वो G7 मीटिंग हो रहा था कि सिक्स लेम डक्स एंड जॉर्जिया मेलोनी मीट द क्लास ऑफ G7 2024। तो ना मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अपने देश में इलेक्शन का क्या होगा। अच्छा, यूरोप का एक और भी प्रॉब्लम है, यूरोप का प्रॉब्लम है, हाँ ये पॉलिटिको का सर हेडिंग है, पॉलिटिको का हेडिंग है सिक्स लेम डक्स एंड जॉर्जिया मेलोनी। आप देखिए किस तरह से वो लिख रहे हैं, सिक्स लेम डक्स में ट्रूडेव है, मैक्रों है, सारे है, सुना के बाइडेन है, ठीक है, एंड जॉर्जिया मेलोनी, और वो ये बोल रहे कि ये क्लास ऑफ 2024 है G7। तो भाई तुम तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना तुम। अच्छा, कैन यू, अच्छा ये जो यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट की बात ये लोग कर रहे हैं, आप कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे नेगोशिएट करके जब आपने ब्रांड कर दिया कि आज वो व्हाइट हाउस का स्पोक्समैन बोल रहा था सवेरे सवेरे जब मतलब इट वाज देयर मॉर्निंग हमारे यहाँ जब आया था पूरा, कहा वी वांट इंडिया टू स्पीक टू देम अबाउट यूक्रेन एंड यूक्रेन सॉवरेंटी और ये वर। अरे ये इंडिया रशिया का वो है, वो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे भाई, यूक्रेन की बात होगी तो होगी, जनरल बात है कि भाई देयर जस्ट शुड बी पीस एवरीवेयर। ये क्या मतलब एग्जैक्टली यूएस वांट्स टू डिक्टेट, ये सोच रहा है कि भाई आई मीन यूएस इज नॉट इवन अ पावर व्हिच इट वाज इन द टर्न ऑफ द सेंचुरी। ये जो 2000 में भी जो पावर थी उसकी भी पावर जो है 20-25% तो कम हो गई है यूएस की पहले से। यस, अच्छा सर इंटरेस्टिंग मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इस लड़ाई को बंद करना है, ऑल दैट इट टेक्स इज द व्हाइट हाउस और द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस टू कॉल अप द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, एक बार बात कर लो, खत्म हो जाएगा। विल दे विल नॉट डू इट। इंटरेस्टिंगली 2022 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के एक महीने के अंदर यूक्रेन वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अ नेगोशिएशन विद रशिया, उसको रोका गया था, ये नेगोशिएट मत करो, ये रोका गया था। So, और जर्मनी वगैरह जो थे वो कर रहे थे तो वो, हाँ? आपकी वो पाइपलाइन उड़ा दी थी। अच्छा, हैरान है, जर्मनी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू रशिया, स्पेशली ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जर्मनी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गैस एंड एनर्जी फ्रॉम रशिया टू द नॉर्थ स्ट्रीम। अच्छा, नॉर्थ स्ट्रीम वाला जब उड़ा दिया, जर्मनी नाच रहा है, उछल कूद कर रहा है, तुम्हारे देश के 10 गुना बढ़ गए एनर्जी के प्राइस, अमेरिका खुद का कुछ नहीं जाता। अच्छा, प्रॉब्लम इनका एक वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आज दे रहा हूँ सर आपको, रशिया का अभी जो इकोनॉमी है ना, इट्स अ $2 trillion इकोनॉमी, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। बट दो चीज आप देखिए, आज उनका जो इकोनॉमी है ना, दैट इज ऑलमोस्ट अ डी-डॉलराइज्ड इकोनॉमी, एंड वो बहुत रेसिलियंट है, वो उभर के आया है। और दूसरी चीज, दे हैव टोल्ड एवरीबडी भाई तुम जितना भी सैंक्शंस लगा लो हमारे ऊपर, हमारे जो रिसोर्सेस है ना वो पूरे दुनिया को जरूरत है उसकी, तुम सैंक्शंस लगाओगे लोग फिर भी खरीदेंगे, और तुम उसी से थर्ड पार्टी से तुम भी मेरे सामान ही खरीदोगे, एंड दैट इज द रियलिटी। ये हो रहा ना, तो आपके क्रूड जो है वो इंडिया लेता है और प्रोसेस करके यूरोप में बेचता है। अच्छा, वही तो मैं बोल रहा था, वो नयारा वाला जो रिफाइनरी है वो वही कर रहा था, अमंग द मेनी।